नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। नीट एग्जाम में कथित धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार देखने के लिए मिल रहा है। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। कई छात्रों ने इस परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाए, तो आपको बता दें कई छात्रों ने इस परीक्षा में पेपर लीक का दावा भी किया। लेकिन अब इस मामले में आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि नीट परीक्षा मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि नीट परीक्षा के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेगी। क्या कुछ कहा है संदीप पाठक ने, वो आपको बताते हैं। संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीट की परीक्षा में बहुत गड़बड़ियां सामने आई हैं। मोदी सरकार की लाखों बच्चों की मेहनत और सपनों पर ऐसे घोटाले देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। कल यानी 18 जून को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी के सभी सम्मानित सांसद, विधायक और पार्षद जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। 19 जून को पूरे देश में आम आदमी पार्टी सभी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। जय हिंद। तो 18 जून को आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, पार्षद दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट परीक्षा के मामले को उठाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं 19 जून को आम आदमी पार्टी ऐलान कर रही है कि वो देश भर में अलग अलग राज्यों में इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें 5 जून को नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए थे और इन परिणामों में 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। इसके बाद इस मामले को लेकर काफी संदेह उठ पड़ा कि आखिर इतने बच्चे एक साथ कैसे टॉप कर रहे हैं। उसके बाद ये जानकारी एनटीए की ओर से दी गई कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। मामला उसके बाद काफी ज्यादा विवादों में आ गया और सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया, जिसके बाद एनटीए ने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये कहा कि वो ग्रेस मार्क्स को विथड्रॉ कर रहे हैं और रीटेस्ट का भी ऑप्शन ओपन कर रहे हैं। इस मामले पर बच्चे जो हैं वो रीटेस्ट की भी डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल नीट परीक्षा के रिजल्ट और नीट परीक्षा में पेपर लीक के जो बड़े दावे स्टूडेंट्स की ओर से किए गए हैं, उनको लेकर अब जो विपक्ष के नेता हैं वो भी छात्रों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और इसमें आम आदमी पार्टी भी अब जुड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे 18 तारीख को दिल्ली में और 19 तारीख को देश भर में आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में इस मामले के को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।